चलिए तो क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करते हैं। कहता है सोडियम जनरली डज नॉट शो ऑक्सीडेशन स्टेट +2। भाई सीधी सी बात है, सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो एन ए प्लस बनता है, और एन ए प्लस में +1 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है और +1 सोडियम का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। बोले तो यहाँ पर जो एन ए प्लस बना ये इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन को गेन कर लेता है, ठीक है ना, ये नियोन के जैसा हो जाता है तो ये स्टेबल मोड में आ चुका। और फिर भी जब आप यहाँ से एन ए प्लस से एन ए प्लस टू निकाल बनाओगे तो यहाँ पर जो आयनेशन एनर्जी 2 डिफाइंड होगा इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। क्यों बहुत ज़्यादा होगी? क्योंकि ऑलरेडी +1 इसका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट गेन करने के बाद भी जब आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो तो आपको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। क्लियर है? यहाँ पर आयनेशन एनर्जी 1 डिफाइंड होगा, यहाँ पर आयनेशन एनर्जी 2 डिफाइंड होगा। तो बताइए +2 क्यों नहीं शो करता? क्योंकि +2 बनाने के लिए आयनेशन एनर्जी 2 की ज़रूरत पड़ेगी जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, है ना। क्यों होगी बहुत ज़्यादा? क्योंकि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इसका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो कहता है बिकॉज ऑफ इट्स फर्स्ट आयनेशन पोटेंशियल हाई है, गलत है, सेकेंड आयनेशन पोटेंशियल हाई है, ये सही है इसका, ठीक है ना, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए कहता है कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फ्यू एलिमेंट आर गिवन बिलो। देखिए यहाँ पर जो पहला है ये सोडियम का दिया हुआ है, ये फ्लोरीन का है, ये देखिए नियोन का है, और ये है नाइट्रोजन का है। क्लियर है? तो कहता है विच इज नॉट करेक्ट अबाउट दीज एलिमेंट। तो कहता है फर्स्ट अल्कली मेटल है, बिल्कुल सही है। 3 नोबल मेटल है, देखिए नोबल गैस बोलता तो सही है लेकिन नोबल मेटल बोला, पॉइंट टू बी नोटेड, तो नॉट करेक्ट, तो यही आंसर हो जाएगा। 1 and 3 फॉर्म आयनिक कंपाउंड, देखिए Na है और फ्लोरीन है, आपको पता है Na और फ्लोरीन दोनों मिलकर के आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए क्या जरूरी होता है बताइए? तो आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए एक तरफ से इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होना चाहिए, दूसरी तरफ से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, ठीक है ना। तो सोडियम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो आराम से इनके बीच में आयनिक बॉन्ड बन जाएगा, ये सही है। कहता है 4 हैज हाईएस्ट आयनेशन एंथैल्पी। 4 का जो है आयनेशन एनर्जी जो है ज़्यादा होगा, क्यों होगा? हाफ फील्ड कॉन्फ्यूग्रेशन के कारण इसका आयनेशन एनर्जी ज़्यादा होगा, ठीक है ना, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर अपने से क्या पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 में अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट रिपीटेड एट रेगुलर According to the modern periodic law, a property of the element repeated at regular interval, when modern periodic law में क्या कहता है, किस चीज़ पर बेस था? तो modern periodic law जो है उसमें physical और chemical property जो element का होता है वो periodic function होता है atomic number पर, क्योंकि modern periodic table जो है वो atomic number पर बेस था, increasing atomic number, ठीक है ना, तो यहाँ पर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर कहता है गिव द सिंबल ऑफ द एलिमेंट ऑफ लोएस्ट एटॉमिक नंबर दैट हैज द 3 2p इलेक्ट्रॉन, है ना। कहता है इसमें से कौन सा एटॉमिक नंबर है मैंने जिसका एटॉमिक नंबर कम से कम होगा और उसके पास उसका कन्फ्यूग्रेशन जो है वो 2p3 हो जाएगा, 3 2p इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो 2p में 3 इलेक्ट्रॉन तो यहीं पर हो सकता है, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 2s2 2p3 आएगा, बाकी ये सब थर्ड पीरियड वाले, तो बहुत ही आसान कर दिया।
यहाँ 3p इलेक्ट्रॉन लिखा रहता ना तो बहुत अच्छा होता सवाल, लेकिन थ्रू 3 2p बोल दिया तो ये बहुत ही आसान हो गया, ठीक है ना। करेक्ट आंसर इसका सी हो गया। कहता है इन द फोर पीरियड ऑफ द पीरियडिक टेबल हाउ मेनी एलिमेंट कंटेन वन और मोर 4d इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ पीरियड ऑफ एलिमेंट फोर्थ पीरियड में जो पीरियड सबसेल होता है वो क्या होता है, 4s होता है, 3d होता है और 4p होता है। और आपको पता है कि फोर्थ पीरियड में जो भी एलिमेंट आएगा उसका इलेक्ट्रॉन यही पीरियड सबसेल में भरा जाएगा, है ना। मतलब 4d जैसा कोई सब सेल यहाँ पर होता ही नहीं है। तो कहता है कि कितने एलिमेंट हैं फोर्थ पीरियड में जिनके इलेक्ट्रॉन 4d में भरे जाएंगे, ठीक है ना। तो 0 हो जाएगा इसका आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा।